अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हमना। आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट केक। बहुत ही आसान और मज़ेदार, घर में आप कैसे बगैर ओवन के, बगैर बीटर के और बगैर चॉकलेट के आप घर में चॉकलेट केक कैसे तैयार कर सकते हैं सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ। घर में बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मज़े का केक तैयार होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा कोई भी स्टेप मिस किए बगैर। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में इस तरह से हम दो अंडे लेंगे, उनको अच्छे से इस तरह से निकाल लेंगे। दो अंडे आपने लेने हैं बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर के अंडे आपने लेने हैं, ठंडे अंडे नहीं लेने। उसके बाद ये तकरीबन हाफ कप जो है इसमें पीसी हुई चीनी है, इसको आपने ग्राइंड कर लेना है चीनी को, ठीक है, हाफ कप के बराबर ये ऐड करेंगे। उसके बाद ये विस्क लेंगे और इसको अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे अंडों को, ठीक है। अच्छे से आपने इनको मिक्स कर लेना है, किसी भी बीटर की हमें ज़रूरत नहीं है। बगैर ओवन के झटपट से ये चॉकलेट केक तैयार हो जाएगा, बहुत ही शानदार। इस तरह से अच्छे से आपने इसको फेंटना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है मिक्स के साथ आपने, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक छुटाई कप इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा, तकरीबन 3-4 टेबलस्पून भर के, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा, इतना सा आपने ऑयल ऐड करना है इसके अंदर। ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आपने हर चीज़ को अच्छे से मिक्स करना है साथ साथ, ताकि वो एक जान हो जाए, ठीक है। आपने अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद अब इसमें हम हाफ कप दूध ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे, ठीक है, साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार और मज़े का ये चॉकलेट केक तैयार होने वाला है। बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में ये बनाकर भेजे स्कूल, बहुत ही खुश होंगे बच्चे, ठीक है। बच्चे जो हैं वो ऐसी चीज़ें वैसे ही बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद एक कप भर के इसमें हम मैदा लेंगे, ठीक है। मैदा आपने एकदम से ऐड नहीं करना, थोड़ा सा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ सी नहीं बने, ठीक है। आपकी इसमें बिल्कुल भी लम्स या गुठलियाँ जो हैं वो नहीं बननी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी गुठलियाँ बन जाती हैं तो आपका जो मिक्सचर है जो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आप जो बाकी बच गया था उसको भी मैं ऐड कर दूँगी। अच्छे से आपने इसको 3-4 मिनट अच्छे से मिक्स करना है। जितना अच्छे से आप इसको फेंटेंगे उतना अच्छा ये फ्लफी सा तैयार होगा, ठीक है। आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो और मज़े मज़े की रेसिपीज आप तक पहुंच सकें, ठीक है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है, अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद अब इसमें हम कोको पाउडर ऐड करेंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई चॉकलेट हम ऐड नहीं करेंगे, और ये कोको पाउडर बहुत आसानी से मिल जाता है मार्केट से, ठीक है। आपने तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के ये कोको पाउडर ऐड कर देना है, ये चॉकलेट का सारा काम करेगी, ठीक है। अच्छे से आपने इसको भी फेंट लेना है, कोई भी हमारे इसमें गुठलियाँ लम्स नहीं बनने चाहिए। अच्छे से आपने हर चीज़ को मिक्स करते जाना है साथ साथ, ठीक है। बहुत ही झटपट से जल्दी से घर में तैयार हो जाता है चॉकलेट केक, स्पॉन्जी सा, बहुत ही ज़बरदस्त। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। देखिए बस हमारा पेस्ट बनकर तैयार है, ठीक है। अब इसको हम एक बर्तन में निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से ये मैंने ले लिया है, ठीक है, मोल्ड। ये तकरीबन 7 इंच कह लें से, 7 इंच के बराबर ये मोल्ड है, ठीक है। इसको हम एक दफ़ा ब्रश के साथ, ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। ब्रश लेंगे इस तरह से आपने, उसके ऊपर ऑयल लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है हर तरफ से, कोई भी जगह जो है वो खाली ना रह जाए, ठीक है। इस तरह से क्या होता है आपका केक जो उन्हें चिपकता नहीं है, ठीक है। अब हम बटर पेपर लेंगे। बटर पेपर को आप किसी भी शेप में काट लें, गोल, राउंड या जिस तरह से भी, ठीक है। ये नीचे रखने से क्या होता है कि आपका केक बहुत ही आसानी से जो है वो निकल जाता है बाहर, ठीक है। अच्छे से बटर पेपर लगा के और उसके ऊपर फिर हम दोबारा से ऑयल ग्रीस करेंगे इस तरह से। पहले आपने नीचे ऑयल को ग्रीस करना है अच्छे से, और उसके बाद बटर पेपर के ऊपर लगा के आपने, बटर पेपर के ऊपर से आपने इसको ग्रीस कर लेना है ऑयल को अच्छे से। आपने हर तरफ से चारों साइडों पर इसको ऑयल को ग्रीस कर लेना है, लगा लेना है। अब हमने ये जो मिक्सचर तैयार किया था ज़बरदस्त फ्लफी सा, बहुत ही मज़ेदार, अब इसको हम इसमें डालेंगे, ठीक है। तकरीबन ये 40-50 मिनट्स के अंदर ये तैयार हो जाता है केक, ठीक है। अच्छे से इसको सारा जो है वो बर्तन हम खाली करेंगे। देखिए इसका मिक्सचर, इसका टेक्सचर चेक करें, कितना शानदार है, बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त सा हमारा चॉकलेट का ये मिक्सचर तैयार हुआ है। बस कुछ ही टाइम में ये हमारा केक जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा कोई भी स्टेप मिस किए बगैर। अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर देते हैं तो आपकी वो रेसिपी वैसे तैयार नहीं होती जैसे वो तैयार होनी चाहिए, ठीक है। ज़बरदस्त था हमारा स्पॉन्जी सा केक बनकर तैयार हो जाएगा झटपट से।
जल्दी से इस तरह से आपने सारा जो है वो इसके अंदर मिक्सचर डाल देना। ये मैंने कुकर लिया है, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी आप पुराना स्टील का या कोई भी बर्तन आपके पास है तो वो रख लें, अगर स्टैंड है तो स्टैंड रख लें। मेरे पास स्टैंड नहीं था तो मैंने इस तरह से एक, ठीक है, बाउल सा रख लिया नीचे स्टील का, और उसके ऊपर मैंने वो बाउल केक का रख दिया। और उसको आपने अब कवर कर देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, ठीक है, जैसे हम दम लगाते हैं ना चावलों का या किसी भी रेसिपी का वैसे। अब हम यहाँ पर जो है वो सिरप तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 5 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है, 5 टेबल स्पून शुगर ऐड की है, शुगर नॉर्मल आप ऐड कर दें। उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये हमने केक के ऊपर जो सिरप तैयार करना है, ये सिरप लगाना है, ठीक है, ये हम वो तैयार करेंगे। इस सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप इसमें दूध ऐड करेंगे। ये सारा कुछ हम पहले इस तरह क्यों मिक्स करें, इसको अब हम अभी पकाएंगे चूल्हे के ऊपर। पहले हम इसलिए मिक्स कर रहे हैं ताकि कोई भी गुठली या कोई भी लम्स जो है वो ना बने। अगर आप डायरेक्ट जो है वो चूल्हे के ऊपर इसको हर चीज़ डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा अच्छे से, और वो लम्स या गुठलियाँ से बन जाएंगी तो वो हमारा मिक्सचर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये हम सिरप तैयार कर लेंगे, 2 मिनट में ये सिरप तैयार हो गया है, देखिए। बस इसको आप चूल्हे पर चढ़ाएंगे किसी भी बर्तन के अंदर, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से पकाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने सारा बर्तन जो है वो खाली कर लेना है, कोई भी रिस्क का ज़रा जो है वो अंदर रह ना जाए, ठीक है। इससे हमारे खाने में बरकत होती है अगर आप कोई भी रिस्क जो है वो ज़ाया नहीं करते, ठीक है। इस तरह सारा हमने एक बर्तन के अंदर निकाल दिया, उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चम्मच चलाते जाएंगे, नीचे इसको लगने नहीं देना, और अच्छे से इसको पका लेना है। तकरीबन ये जो हमने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड किया है, इससे क्या होता है थिकनेस होती है इसमें, और अच्छे से इसमें देखें अभी 2 मिनट के बाद इसमें कितनी थिकनेस आ जाएगी। अच्छे से इसको हम बॉयल कर लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे ताकि इसमें किसी किस्म का कोई भी कच्चापन ना रहे, ठीक है। ये देखिए थिकनेस आना स्टार्ट हो चुकी है इसमें, ज़बरदस्त था ये देखें, इतना ज़बरदस्त फ्लफी सा सॉफ्ट सा हमारा मिक्सचर तैयार है। सिरप इसे कह लें, ठीक है, सिरप है ये ऊपर लगाना है जो हमने, ये तैयार है। बस अब हमारा केक भी तैयार है, 1 घंटा हो चुका है, 45 मिनट्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ये देखें। अब इसको हम एक इस तरह स्टिक से चेक करेंगे, अगर ये स्टिक हमारी ड्राई बाहर आती है तो इसका मतलब है हमारा केक जो है वो अच्छे से बेक हो चुका है। ये देखें बिल्कुल ड्राई जो स्टिक है वो बाहर आई है, तो हमारा केक यहाँ पे अच्छे से बेक हो चुका है, बगैर ओवन के, बगैर बीटर के, बगैर चॉकलेट के, ठीक है। ज़बरदस्त सा स्पॉन्जी सा हमारा चॉकलेट केक तैयार है। बस इसको अब हम सर्व करेंगे, इस कपड़े की मदद से आपने अच्छे से इसको निकालना है क्योंकि गर्म होता है, ठीक है। ये देखें ज़बरदस्त सा नरम मुलायम सा हमारा केक तैयार है। इस तरह से साइड से इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, आप खोल सकते हैं और इस तरह से निकाल लें इसको। नीचे इसकी एक प्लेट होगी, वो निकाल देंगे हम अच्छे से। प्लेट निकालने के बाद इसका बटर पेपर रिमूव करेंगे और इसको हम ऊपर से डेकोरेट करेंगे, ठीक है। अच्छे से आपने क्या करना है, ऐसे इसको सारा बटर पेपर इतने आराम से नीचे से निकल जाता है बटर पेपर, ये चेक करें कितने आराम से जो है वो देखिए निकल रहा है बटर पेपर, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त घर में ज़बरदस्त जल्दी से हमारा स्पॉन्जी सा केक तैयार है। बस इसको अब हम एक प्लेट में रखेंगे, सर्व करेंगे। यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, इस तरह से आपने ये चेक करें, इसकी मैं आपको एक दफ़ा लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितना नरम मुलायम स्पॉन्जी सा हमारा घर में केक बनकर तैयार हुआ है, ज़बरदस्त। बच्चों को तो, बच्चे तो ऐसे ही खाना पसंद करेंगे डायरेक्ट इसके ऊपर बगैर सिरप लगाए, ठीक है। अब हमने जो सिरप तैयार किया था इसको थोड़ा सा मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है, और इस तरह से अच्छे से आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, हर तरफ से अच्छे से फैला देना है, ठीक है। थोड़ा सा साइडों से नीचे गिरेगा, कोई बात नहीं, वो खूबसूरत होता है, खूबसूरती आती है उसमें, ठीक है। आपने इसके ऊपर अच्छे से डेकोरेशन करके इसको थोड़ी देर ऊपर फ्रीजर में रखना है ताकि हर चीज़ अपनी जगह पर सेट हो जाए, और उसके बाद इसको आप सर्व करें मेहमानों के सामने, घर वालों के सामने, सब लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से आपने इसके ऊपर आप थोड़ी सी क्रीम लगा के इसको स्टिक के साथ इसकी शेप दे देनी है। यहाँ पर थोड़ी वीडियो स्किप हो गई थी, ठीक हो गया। आप यहाँ पे आपने फ्रूट क्रीम रैंडम से फेंक के थोड़ी सी इसके ऊपर उसको शेप दे लेनी है, डिज़ाइन कर लेना है अच्छे से। इस तरह से इसको मैं कट करके आपको दिखाती हूँ, बहुत ही स्पॉन्जी सा और ज़बरदस्त हमारा केक बनकर तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी तरफ से हमारी मोटिवेशन होती है। इस तरह से मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त अपना